रिचर्ड को नेटवर्क नहीं मिल रहा है इसीलिए कहाँ गया देखो। वेलकम टू वी आर ट्रैवल बडीज़, मैं हूँ वैभव। सो आज हम लोग संडे राइड के लिए आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 100 किलोमीटर सिर्फ मेरे घर से, दादर से 100 किलोमीटर्स है, वांद्री लेक। ये फेमस जगह है, बहुत बहुत सारे बाइकर्स आते हैं संडे को, सैटरडे को आते हैं, आज भी बहुत सारे राइडर्स थे। ठंडी में एक ही प्रॉब्लम होता है, सुबह उठने का, अगर आप उठे तो ओके, नहीं तो फिर प्लान भी कैंसिल हो जाता है। ऐसे कमीने दोस्त रहते हैं जो सुबह सुबह उठ के भी टांग देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं आ पाऊँगा, ठंडी है, उठ नहीं पाया। वैसे ही एक दोस्त ने ज्वाइन किया है मुझे, रिचर्ड। सो रिचर्ड ने मुझे ज्वाइन किया है आज। नीचे देख रहे हमारी कैमरामैन, जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, आज आ रही है। तो यहाँ आके भी ये मुझे जंगल में लेके आए ट्रैकिंग के लिए। रिचर्ड, SRT याद आ रहा है कि नहीं? SRT याद आ रहा है, ये देख के फुल SRT वाला फील आ रहा है। पूरा जंगल है। वांद्री लेक एक्सप्लोर करने का मतलब बहुत अलग ही मजा होता है, क्योंकि यहाँ पे आते तो बहुत लोग हैं, बट सब लोग स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि जगह इतना बड़ा है, हर एक स्पॉट पे जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग ऐसे ही स्पॉट एक ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँच गए। आई थिंक ये पानी का वे है, बट अभी पानी है नहीं यहाँ पे, और सीधा वहाँ पे जाके लेक है शायद, शायद मतलब है। सुपर प्लेस है, मस्त। क्या बोलते हैं रिचे, मजा आ गया। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, वो है वांद्री लेक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ऐसे वहाँ पे दूर आपको दिखता नहीं रहेगा कोई कैंपिंग कर रहा है। ये देखो ऐसा कैंपिंग इन लोग ने किया है, बट कैंपिंग करने के बाद एक ध्यान रखिए कि कचरा वैसे ही मत रखिए यहाँ पे। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, कचरा अपने साथ ही लेके जाओ, ऐसा छोड़ो मत। तेरे को पता है मैंने
और एक ये जगह पे आने के पहले एक थोड़ा रिसर्च किया, यहाँ पे दो फोर्ट्स भी है। फोर्ट? हाँ, कहाँ पे? एक नॉर्थ की तरफ है, मतलब 30 किलोमीटर है कोहोज फोर्ट करके। अच्छा। और दूसरा है तकमक फोर्ट, वो साउथ की तरफ है, बट ट्रैकिंग ज़्यादा है, 3 आवर्स लगते हैं ऊपर जाने के लिए। हाँ, इसके लिए मैं बोला कि इतना टाइम है नहीं अपने पास, इसके लिए मैं प्लान नहीं किया, नहीं तो जाते थे वहाँ पे। नेक्स्ट टाइम तू आएगी? मजाक में हम लोग 1 घंटा रुके यहाँ पे, और पता ही नहीं चला टाइम का। अभी निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा नाश्ता करेंगे और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। बाकी प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। निकलने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। मैं बोला यहाँ पे फिशिंग करने मज़ा आएगा, फिशिंग कैंपिंग मज़ा। तो नेक्स्ट टाइम आते हैं फिशिंग करने के लिए। आई एम ऑलवेज रेडी। चलो, कौन सा फिश पकड़ेगा यार? मेरे को झींगा चाहिए। तो झाड़ियों से निकल के हम लोग रोड पे आ गए। वैसे बाइक आप कहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं। सिर्फ रोड पे पार्क मत करो। हाँ, बाजू में पार्क करो और नीचे चले जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको नीचे। अभी हम लोग आए हैं वो मेन स्पॉट है जहाँ पे ज़्यादा करके टूरिस्ट आते हैं। रिचर्ड को नेटवर्क नहीं मिल रहा है इसीलिए कहाँ गया। देखो, ये जो प्लेस है हाईवे से बहुत ही नज़दीक है, थोड़ा अंदर आएंगे 1-2 किलोमीटर शायद से उसके अंदर फिर ये मेन स्पॉट आता है, बाहर पार्किंग है। सो गाइस, ये जो रास्ता जा रहा है ये पूरा लेक के आसपास से ही है, मतलब ये पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप यही रास्ते से। सॉरी गाइस, वीडियो एंड नहीं किया मैंने। एक्चुअली वहाँ से निकले हम लोग और खाना खाने के लिए गए, और फिर बाद में वहाँ पे बहुत लेट हो गया और फिर धूप भी बढ़ गई थी, इसके लिए हम लोग फटाफट हम लोग निकले। बिकॉज लास्ट टाइम मैं केलवा गया था तभी सेम रूट पे मुझे बहुत ट्रैफिक मिला था फाउंटेन होटल के इधर, इसके लिए मैंने कहा कि ट्रैफिक बढ़ने के पहले हम लोग निकल जाए वहाँ से। प्लेस तो बहुत ब्यूटीफुल था और मैं वापस जाना चाहूँगा ऐसे लेक पे, और ऐसे भी लेक और भी है जो मैं इन फ्यूचर एक्सप्लोर करूँगा, अपने चैनल पे उसका वीडियो आएगा। सो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूला नहीं, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, बिकॉज आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि व्लॉग कैसा बना है, क्या और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। सो प्लीज़ कमेंट करके आप बता दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ऐसे वीडियोस और भी आएंगे। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय।